इसी तरह जो है पांचवी जो चीज़ है कि लोगों के काम आना, लोगों को खुश करेगा तो इंसान खुद खुश रहेगा, लोगों को खुश रखेगा तो इंसान खुद रखेगा। तो असली खुशी यही है कि दोनों लोगों को वो खुश रखे, कि दोनों उसके अंदर खुश होना चाहिए। क्योंकि एक आदमी खुशी तभी होती, जैसे एक आदमी है वो इत्र लगाता है, बोले मैं दूसरे को इत्र खुशबू इसके पास से आनी चाहिए, मैं इसको खुशबू दूं तो वो उसके लिए इत्र लगाने जाएगा तो क्या करेगा, हाथ में इत्र मलेगा उसके कपड़े पर लगाएगा तो क्या उसके अंदर से उसके पास में खुशबू नहीं आएगी, आना ही है क्योंकि उसने उसको खुशी दी, उसने उसको इत्र दिया तो इसके पास भी खुशबू होना है। तो वही है, तो खुशी अगर हमको तलाश करना है तो दूसरों को खुश रखेंगे तो हमारे पास में खुशी आएगी, दूसरों को खुश रखेंगे तो हमारे पास में, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में क्या बोला, एहसान का बदला एहसान है, तो खुश रखोगे तो खुशी का बदला खुशी है। तो दूसरों को, और अल्लाह के रसूल सल्लम क्या फरमाए कि तुम जमीन वालों पर एहसान करो तो अल्लाह तुम पर एहसान करेगा, या तुम जमीन वालों पर रहम करो तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तो तुम रहम करो पहले, तो उसके बाद तुम पर रहम अल्लाह करेगा। ये नहीं कि तुम रहम नहीं करो और अपने ऊपर रहम मांगो कि अल्लाह तू रहीम है तुम रहमत दे दे, तो तुम लोगों पर तो रहम करो तब तुमको रहम, तब देंगे तो मिलेगा, ये अल्लाह का कानून, दुनिया ऐसे ही अल्लाह ने बनाया। तो अपनी खुशी, आदमी अपने अंदर खुशी, लोग मुझे खुश रखना, बीवी मुझे खुश रखना, बच्चे मुझे खुश रखना, पड़ोस मुझसे खुश रखना, रिश्तेदार मुझे खुश रखना, तो अपने आप को खुश रखना चाहता है, लेकिन वो सबको कुछ देता नहीं है, तो कुछ नहीं देगा तो उसको खुशी नहीं मिलेगी। तो ये है कि हम जो खुश खुशी दें तो खुशी मिलेगी। एक गरीब के पास कुछ नहीं है, आपने उसको जो है कपड़े पहना दिए, आपने उसको खाना खिला दिया, तो उसके बाद में वो खुश होगा तो आप देखकर जो उसको आपको खुशी मिलेगी वो खुशी आप नहीं कर सकते। एक आदमी था भूखा था, बीमार है, आपने उसको दवाई दिला दी, अब वो खाना नहीं खा रहा था, आपने एक होटल से उसको खाना ले के दे दिया, भाई अच्छी होटल जो आप खाते हैं वैसा खाना आपने उसको दिया, और वैसा खाना उसके नसीब में था ही नहीं, बच्चा खुचा होटल से उसको दे मिल जाता था, वो बच्चे कुछ बासी खुशी सब्जियाँ रोग रखते हैं, रोज के रोज भी नहीं देते, लोग क्या करते हैं कि देना भी होता है तो क्या करते हैं पहले कि सब्जी सब्जी बच गई फ्रिज में रख दो, शाम को खाएंगे, शाम को दूसरी बना, अब नहीं नहीं खाना वो भी रखी रहें, तो तीन चार हो गई, अब चार पाँच दिनों के उसके बाद पहले अब कोई नहीं खाएगा, अब उसको बेस्वाद हो गई पड़े पड़े, उसके बाद उठा के सब उसको दे दो, तो इसमें क्या खुशी है। वो खाना वो खा रहा है और वैसा खाना उस होटल पर जाए और उसको अच्छा खाना खरीद कर दे और उसके बाद उसको बैठ कर खिलाए वो खाए और उसको देखे वो खाते हुए, उसके बाद कहेगा भाई मैंने ऐसा खाना खाया ही नहीं था, खा ही नहीं था, तुमने खाना मुझे खिला दिया भाई, एहसान किया। वो जो खुशी मिलेगी वैसी खुशी खरीद नहीं सकते, वो खुशी वही है। तो देने से खुशी मिलती है, तो ये खुदगर्जी हम ना करें, खुदगर्जी अगर करेंगे तो वो खुशी नहीं है। तो कुछ अच्छी बात किसी को दे देना, अल्लाह इसमें क्या किसी को अच्छी बात बता देना तक सदका है, अगर किसी को अच्छी बात बताएंगे तो आपको खुशी मिलेगी, वो अमल कर लेगा तो आपको खुशी मिलेगी, अरे मैंने इसको बताया ये इन्हें क्या अमल, खुशी मिलेगी। आपने बोला नमाज नहीं पढ़ता, बोले आप मुसीबत है, बोले नमाज पढ़ो, नमाज में जी लगाओगे तुम्हारे गम दूर होंगे, सब्र तुमको मिलेगा, ओके हाँ यार तुमने नमाज की बोला, नमाज पढ़ना बड़ा सुकून आया, तो आदमी को खुशी होगी, अरे मैंने इसको बताया और इसको सुकून मिला। तो दूसरों की खुशी के अंदर खुशी मिलती है, क्योंकि किसी को खुशी देना, बीमार कोई बीमार है, उसकी मिजाज पोशी करने गया, बीमार है तो उसको उसके पास जाके उन्होंने पूछा उससे, भाई कैसे हो, अरे सब्र करो अल्लाह, अरे क्या मुसीबत है, ये बीमारियाँ तो आती जाती रहती हैं, इससे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह को झाड़ देता है और ये होता है, और ये तो सब तुमको अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर रहा है, तुम्हारे गुनाह झड़ रहे हैं, तो उसको भी खुशी मिलेगी, सब्र आएगा, इसको भी सब्र आएगा, इसको फिर जल्दी दुकान भी जाना, फटाफट चला जाएगा, नहीं तो बैठा रहेगा उसके साथ गम के अंदर, उसका दुखड़ा सुनने लगेगा तो वो पूरा पूरी रामायण लेके बैठेगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा, ना तो इसको खुश होगा ना वो खुश खुश होगा। तो अच्छी बात करे तो ये सदका है, अच्छी बात को करे तो ये अल्लाह ने, अल्लाह का कानून यही कि उसको दो तो आपको अल्लाह फिर उससे दुगुना तिगुना और हजारों गुना देगा। किसान है, जमीन में क्या देता है, जमीन को क्या देता है, वो एक बीज देता है, तो जमीन उसको क्या देती है, साथ में हजार बीज निकाल कर देती है। तो दुनिया में अल्लाह ने सिस्टम ही ऐसा रखा है कि तुम दो तो फिर तुमको वो उससे ज़्यादा मिलेगा, तभी तो एक बीज बोएंगे तो अब देखो कितने सारे 100 दाने के उसके अंदर गेहूँ निकल रहा है, एक गेहूँ बो रहा, और दूसरी चीज़ अगर सरसों एक बोता है तो उसमें तो फिर लाखों से निकल रही, एक से उसके अंदर इतनी निकल रही। तो ये तो अल्लाह ने दुनिया में इसको, इसी अल्लाह का कानून ही यही है। तो घर में जाए तो सबको खुश रखे, वो बीवी से खुश तो उसको खुशी दे तो उसको फिर उसको रिटर्न में क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। बच्चों को खुशी दे तो उसको खुशी मिलेगी। तो घर वालों को, पड़ोसियों को, सबको वो खुश रखेगा तो जो है वो खुश रहेगा, नहीं तो अगर वो सब कहेंगे सब मुझे खुश रखे तो फिर ना तो वो खुश रहेंगे ना ये खुश रहेगा। तो इसको खुशी को तलाश करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लम
ने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर तू चाहता है कि तेरा दिल नरम हो तो तू क्या कर। कोई आदमी चाहता ना कि यार मेरा दिल नरम हो जाए, शक्ति है मेरे अंदर, शक्ति होती है उसी वजह से तो होता है, क्यों चिल्लाता, क्यों गुस्सा, क्यों आदमी अंदर शक्ति की वजह से आता है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या उसूल बताया कि अगर तू चाहता है कि तेरा दिल नरम हो जाए तो तू क्या कर, मिस्कीन को खाना खिला और यतीम के सिर पर हाथ फेर तो तेरा दिल नरम हो जाएगा। तो हमारा दिल नरम करना है तो क्या करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, बगैर खिलाए तो दिल नरम नहीं होने वाला। वो यतीम की किफालत करना, उसके सर पर हाथ फेर, तो एहसान करो, वो बेगर्ज एहसान, दिल से एहसान होना चाहिए तो दिल में सुकून आएगा। ऐसा नहीं कि बेगर्ज नहीं, हमने दिया तो उसको दे दिया, जता रहा ये कपड़े पहन के घूम रहा, मैंने दिया इसको, तो फिर आपको सुकून नहीं मिलने वाला। आप ये मत सोचो कि उससे सुकून मिल जाएगा, कितना ही आप उसको लाख रुपए का सूट दे दिया लेकिन वो सुकून नहीं मिलेगा। बेगर्ज एहसान मांगना चाहिए तो आपको सुकून मिलेगा। और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि अल्लाह को वो लोग पसंद है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, पसंद वही है अल्लाह को जो लोगों को फायदा पहुँचाने वाले। और अल्लाह दुनिया में बाकी भी रखता है, कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह दुनिया में बाकी उनको रखता है जो लोग दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, दूसरे के फायदेमंद है तो अल्लाह उसको दुनिया में बाकी रखता है, या तो उनकी याद बाकी रखता है उनके मरने के बाद, लोग याद भी करते हैं उनको, तो ये तो दूसरों पर हमको, तो एक मुसलमान, वो कई हदीसें मिलती हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को खुशी दे, उसको नाराज ना करे, उसको खुश कर दे। और तो ये सब खालिस होना चाहिए, अल्लाह के लिए होना चाहिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए होना चाहिए, एहसान जताने के लिए होना चाहिए, तो फिर उसके दिल को सुकून मिलेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं बड़े बड़े जो सब यही बताते हैं। अब ये अल्लाह के रसूल ने हमको बता दिया, कब से बता दिया, अल्लाह ने बता दिया, उसके रसूल ने बता दिया, हमारे पास हज़ारों सालों से चीज़ें मौजूद, लेकिन अब हम आदमी सुकून तलाश करता है डॉक्टर के पास जाता है, फिलोसोफर के पास, फिलोसोफर उसको बताता है, सुनाता है, व्याख्यान देता है, फिर वो सुकून ढूंढने के लिए मोटिवेशन लेक्चर के अंदर जाता है। इतना मोटिवेशन भरा हुआ है दीन के अंदर, इतनी कुरान के आयतें मोटिवेशन के लिए, इतना जो है उसके अंदर हमारे पास में अल्लाह के रसूल सल्लम हदीस है, इतना मोटिवेशन उसके अंदर भरा हुआ है, सलफ़ के अकवाल किताबें पढ़े, इतना मोटिवेशन उसके अंदर, लेकिन हम क्या करते हैं, मोटिवेशन स्पीच सुनने जा रहे हैं, 10,000 फीस, 5,000 फीस, वो आता है आदमी सामने मोटिवेशन उसको कर देता है और वो जो बाहर से निकलता है बस अब दुनिया जीत लूँगा, उसके अंदर बन जाता है वह, लेकिन घर जाता है सोता है सुबह वापस वही हालात। ये जिंदगी में प्रैक्टिस से आता है, एक दिन मोटिवेशन लेक्चर सुनने से नहीं हो जाता कि आदमी सुन ले। आप देखें इंटरनेट पर भी, आप देखें सबसे ज़्यादा व्यू किसके होते हैं मोटिवेशन लेक्चर, आप देखें उसके व्यू, हम उस पर भी देखते हैं तो उनके व्यूज लाखों करोड़ों लोग उनके देख चुके, क्यों, उनसे उनको सुकून मिल रहा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं जिंदगी। तो रोज रहने का मरहला है, इसलिए इस्लाम ने हमको सिखाया कि तुमको रोज रहना, ये काम करना है, रोज काम करना है। सहाबा करते थे, सहाबा अल्लाह के रसूल से आकर पूछा करते थे, अल्लाह के रसूल पूछते सहाबा आकर साहबा से कि आज किसने गरीब को खाना खिलाया, साहबा कहते वो सबसे आगे कौन करते, अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने किया। आज किसने मुसाफिर को रास्ता दिखाया, मैंने दिखाया। आज किसने ये नेकी की, मैंने की। आज किसने किसको पानी पिलाया, मैंने पिलाया। आज किसने किसका बोझ उठाया, मैंने पिलाया। नहीं, तमाम रोज के काम थे, इसलिए सुकून में रहते थे। तो रोज करना है, एक दिन मोटिवेशन लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता है। तो हम ये देखें तो इसके लिए क्या करना था, रोज़ की प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए तो फिर होगा। तो सब फिलोसोफर भी यही बताते हैं, और उसके बाद में जो डॉक्टर के पास में ये कि भाई खर्च करो, दूसरों को तुम खुशी दो तो तुम्हें खुशी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली। तो ये दिल को सुकून मिलता है, और ये अल्लाह के रसूल हमको कब से बता दिया।